हेलो दोस्तों, ए आर देसी किचन में आप सभी का स्वागत। दोस्तों, आज ना मेरा समोसा खाने का मन था, इसलिए मैं बाहर नहीं जा सकी खाने, तो मैंने सोचा चलो घर में कचौड़ियाँ बनाती। चलिए दोस्तों, मैंने यहाँ पे ये देखिए आलू को उबाल करके छील लिया और छोटा छोटा कट कर लिया था। ये देखिए मैंने इसे मैश नहीं किया, बस कलछी की मदद से हल्का हल्का छोटा छोटा कट किया था। और मैंने तावे पर यहाँ डाल दिया है लाल मिर्च, काली मिर्च और जीरा। मैं इस मसाले को अच्छे से भून लूँगी और मैं इसे मिक्सी जार में डाल के पीस लूँगी। इसमें मैंने डाल दिया है 2 चम्मच नमक, क्योंकि अगर नमक नहीं डालेंगे तो हमारा मसाला अच्छे से पिसेगा नहीं। तो ये देखिए दोस्तों, हमारा मसाला अच्छे से पिस गया है। तो चलिए दोस्तों, कढ़ाई में मैंने डाल दिया है सरसों का तेल, उसमें डाल दिया मैंने थोड़े से लहसुन, लहसुन हमारा चटकने लगा है। तो ये देखिए हमने जो आलू को कट किया था वो इसमें डाल दूँगी, ये देखिए, और इसे अच्छे से भून लूँगी। दोस्तों ये देखिए, इस तरह से ना हमारे कचौड़ियों का जो मसाला है, ये आलू का पेस्ट, ये बहुत ही टेस्टी बनता है। ये देखिए जो हमने मसाला यहाँ पे पीस के रखा था, ये मैं सब डाल दूँगी। ऐसे बनाने से ना इसका टेस्ट 2 गुना बढ़ जाता है। दोस्तों ये देखिए, मैंने ये रेसिपी समोसे वाले भैया से सीखा था। एक बार मैंने इसे खा के देखा, मुझे बहुत अच्छा लगा है, तब से मैं इसी तरह बनाती हूँ। अब मैं इसमें डाल दूँगी धनिया पत्ता। ये देखिए दोस्तों, धनिया पत्ते से स्वाद ना बहुत ही अच्छा होता है। ये देखिए मैं इसे अच्छे से चला दूँगी ताकि धनिया पत्ता हमारा मिल जाए। तो ये देखिए दोस्तों, हमने यहाँ पर 1 कटोरी मैदा ले लिया। ये देखिए, उसी से नाप के हम 1 कटोरी और मैदा ले लेंगे, मतलब 2 कटोरी मैदा ले लेंगे। और 1 कटोरी हमने यहाँ पे ले लिया है गेहूं का आटा। ये देखिए, और इसमें हम अच्छे से मिला देंगे। उसके बाद इसमें हम डाल देंगे थोड़ा सा नमक। ये देखिए दोस्तों, नमक हमने इसमें डाल दिया। उसके बाद हम यहाँ पर लेंगे देसी घी का इस्तेमाल करेंगे। देसी घी से ना टेस्ट बहुत अच्छा आता है। ये देखिए, यहाँ पे छोटी कटोरी से हमने गरम देसी घी डाल दिया। ये देखिए, इसे देखिए कितना बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। अब इसको हम अच्छे से मिला देंगे हाथों की सहायता से, इसको मिला रगड़ रगड़ के। ये देखिए, बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही कुरकुरी खस्ता कचौड़ी बनने वाली है। दोस्तों एक बार आप ज़रूर इसे ट्राई करिएगा। ये देखिए, मैं हाथों की मदद से इसे, ये देखिए, ऐसे दबा के देखेंगे हमारा ये बन जाएगा ना, समझिए हमारा जो घी है अच्छे से मिल गया है। ये देखिए दोस्तों, इसकी यही असली पहचान है। अब इसमें हमने डाल दिया है गरम पानी, और गरम पानी की मदद से हम इस आटे को अच्छे से गूंथ लेंगे। ये देखिए दोस्तों, हमारा आटा गूंथ के तैयार हो गया है। ये देखिए, बिल्कुल सॉफ्ट तैयार हो गया है। और ये देखिए, हमारा ये आलू का पेस्ट बिल्कुल तैयार हो गया। इसमें मैंने डाल दिया है थोड़ा सा मैगी मसाला। दोस्तों मैगी मसाले से टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है, एक बार आप इसे भी ज़रूर ट्राई करिएगा। तो चलिए मैं आटे की लोई बनाती हूँ छोटी छोटी। ये देखिए, मैंने यहाँ पे छोटी छोटी लोई बना ली है, और इसमें मैं भर देती हूँ ये हमारा आलू का जो पेस्ट था। ये देखिए दोस्तों, इसको हाथों की मदद से धीरे धीरे गोल करके बनाना है। ये देखिए, बिल्कुल सॉफ्ट सॉफ्ट बनेंगी कचौड़ियाँ। दोस्तों इसे एक बार आप ज़रूर ट्राई करिएगा। मैंने तो एक बार बनाया था, तब से जब भी मेरा खस्ता खाने का मन करता है मैं इसे तुरंत बना लेती हूँ। ये देखिए दोस्तों, गोल गोल छोटी सी पत्ती पत्ती कितनी अच्छी लग रही है। दोस्तों इसी तरह मैं सारी बना के रख लूँगी। तो ये देखिए, मैंने यहाँ पे सारी कचौड़ियाँ बना ली है। तेल हो गया है हमारा, यहाँ पे गरम हो गया है। अब मैं एक एक करके सारी कचौड़ियाँ यहाँ पे डाल देती हूँ। ये देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ पे रिफाइंड ऑयल का यूज़ किया है, यहाँ पे मैंने सरसों का तेल नहीं इस्तेमाल किया है। देखिए दोस्तों, हमारी कचौड़ियाँ कितनी बढ़िया स्वादिष्ट और फूली फूली सी बढ़िया निकलेंगी। ये देखिए, मैं कलछी की मदद से इसको हल्का हल्का सा दबा देती हूँ। ये इतना कचौड़ियाँ बहुत ही अच्छी सी पक जाती हैं। तो ये देखिए, हमारी कचौड़ियाँ अभी फूलना स्टार्ट हो गई हैं। ये देखिए, मैं इसको अच्छे से चलाती रहूँगी धीरे धीरे। ये देखिए दोस्तों, कितनी अच्छी हमारी कचौड़ियाँ बन रही हैं। आप इसे ज़रूर एक बार ट्राई करिएगा। दोस्तों ये देखिए, मैं एक आपको दिखाती हूँ। ये देखिए कितनी फूली फूली सी है। ये देखिए, बहुत ही अच्छी लग रही देखने में, तो खाने में बहुत ही टेस्टी होगी। देखिए दोस्तों, अब मैं इसे हल्का ब्राउन होने तक पकाती रहूँगी और इन्हें अच्छे से पलटती रहूँगी। दोस्तों तो ये देखिए, हमारी कचौड़ियाँ बिल्कुल फूली फूली सी खस्ता कचौड़ियाँ बन के रेडी हो गई हैं। मेरे घर में ना ये कचौड़ियाँ सभी को बहुत पसंद आती हैं, तो मैं अक्सर करके इन्हें बनाती रहती हूँ। तो दोस्तों आप भी इसे ज़रूर घर पर ट्राई करिएगा। तो ये देखिए, हमारी सारी कचौड़ियाँ जो हैं बिल्कुल बन के रेडी हो गई हैं। अब मैं इसे तोड़ के दिखाती हूँ, ये कितनी कुरकुरी सी हमारी कचौड़ियाँ हैं। ये देखिए दोस्तों, एकदम फूली फूली सी खस्ता कचौड़ियाँ हैं। ये देखिए दोस्तों, अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक शेयर और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें।